एरिना एनिमेशन इंस्टीट्यूट, जहां विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित हैं, जैसे एनिमेशन VFX, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, डिजिटल आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग, जेका कई के अपना कह सकी थे आपन सपनन का साकार। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव है और यह चुनावी वर्ष है जौने माँ भाजपा और कांग्रेस एड़ी चोटी के जोर लगावे के तैयारी कर रही है। सबसे बड़ी बात कि चुनावन में जीत हार तब तय होती जब टिकटन के सही बंटवारा होत है। टिकटन का बंटवारा कर ले के दोनों पार्टी बड़ा पेशो पेश में फंसी है के का टिकट दे के का न दे, के का टिकट देव उचित है और के का टिकट काटब उचित है। ऐसे खबर लेके आए हैं मध्य प्रदेश के भाजपा के टिकट के वितरण से जुड़ी जोने माँ। यह खबर मैया है साफ साफ कि कई ठे विधायकन की टिकट काटी गई है। वजह का है वह बताऊ और यह के कहाल लाग है वह बताऊ। कहे कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के द्वारा जो है बेहद बड़ा बयान दिया है, जो सीधे सीधे टिकट वितरण के ओर खुलेआम इशारा है और यह इशारा अपनों का अब समझ में आएगी। काहे कि अब विधायकन के टिकट आखिर काहे काटे जा रहे हैं, वजह का ही वह अपना जान ली और एक साथ साथ 2023 के बीजेपी जीत के फार्मूला और जीत के रोड मैप अब तैयार कर चुकी है। तब इंदु क्षेत्र के ये पहली बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी प्रपंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये बेहद बड़ी खबर के, जहां प्रपंचन बता दी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के द्वारा 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बात कही गई है। बीडी शर्मा के द्वारा कहा गया कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कई मौजूद विधायकन के मौजूदा विधायकन के टिकट काटे जा सकते थे, उनके स्थान पर युवन का मौका दी गई। बता दी कि गुजरात चुनावी मॉडल MP में लागू हुई और गुजरात के तर्ज पर कई विधायकन के टिकट कट सकते थे और युवन का मौका मिली। कमजोर रिपोर्ट वाले विधायकन पर टिकट के तलवार जो है लटकी है। बीडी शर्मा के द्वारा गुजरात चुनाव मॉडल के अध्ययन की गया है। प्रोजेक्ट बताया दी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के द्वारा गुजरात के दौरा की गया रहा और वहीं के संगठन से सीख के अब MP मां व मॉडल लागू करे के जुगत में है। गुजरात मां भाजपा के द्वारा युवन का मौका दिन का रहा। तकरीबन 3 दर्जन जो है सीनियर विधायकन के टिकट काटेगी या मॉडल का भाजपा MP मां लागू कर सकती है। प्रवक्ता ने बताया कि सांसद और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से शर्मा के द्वारा मीडिया से बातचीत करत किन कहा गया कि युवन का मौका सीनियरन का एडजस्ट करे की यह जरूरत के हिसाब से की गई। गुजरात भाजपा संगठन के साथ बैठक करके जो लौटे रहे बीडी शर्मा, उनके द्वारा यह कहा गया रहा कि हम यह बात वहीं से सीख के आए हैं। दरअसल जो है भाजपा विधायकन के क्षेत्रीय स्थिति सर्वे रिपोर्ट में खराब आई है। 3 लेयर सर्वे में फर्स्ट सर्वे सेकंड सर्वे में कई एक विधायक जो है रेड जोन में है। अब कब तक बता दी कि यह पूरा जो टिकटन के जो वितरण के जो पेशो पेश ही पार्टी के अंदर खूब तेजी से उठा पटक के दौर जारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि अहम ऐसे हुई थी कि पार्टी सर्वे दर सर्वे कराए रही है। सर्वे में संघ के एंट्री होए के बाद अब यह माना जाता है कि संघ के यदि दखलंदाजी हो गए तब सीधे सीधे समझी कि संघ बिल्कुल कौनों में की गुंजाइश वो सर्वे पर नहीं छोड़े चाहता है, ना भाजपा कौनों सर्वे पर गुंजाइश छोड़े चाहे। बेस्ट परफॉर्मेंस वाले नेता का जो है जेका जनता बिल्कुल पूरी तरह से स्वीकार कर करी वह व्यक्ति का टिकट दे के तैयारी चल रही है। हालांकि युवन का लय के मध्य प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष बीडी शर्मा के कहब है कि कई टिकट चाहे भले काटे के पड़े लेकिन एडजस्टमेंट जरूर की जाए और ऐसा युवन का टिकट दी जाए जो वास्तव में ऊर्जावान है, लोकप्रिय है और सर्वे में जिनका नाम है। तो सर्वे कई एक लेयर में हुए रहे हैं। फर्स्ट सर्वे भा दूसरी सर्वे हो चुके हैं, अब तीसरा सर्वे जो सोशल मीडिया एक चीज है वो अपने को बताया थी। यह सर्वे जो हो रहा है एमा सोशल मीडिया प्रमुख माध्यम माना जा रहा है। यह सर्वे में फेसबुक पेज से लेके ट्विटर के फॉलोवर इंस्टा के फॉलोवर तक देखे जा रहा है। अब अपना समझी कि बिल्कुल
पूरी तरह से ये युद्ध के मैदान तैयार है। अब केकर केकर लड़ाई हुई ओकर बस अब इंतजार है। तब पिटन के बंटवारा का लेके अभी हालांकि जी अभी कोनो बड़ा नाम या कहा जाए अभी कोनो बड़ा फैसला तो नहीं भाई, लेकिन अपना समझ ले कि जब पिटन के बंटवारा हुई तब ऐसे लगभग तय हुई याद है कि भाजपा की सरकार बन रही है या फिर कांग्रेस के सरकार। और लहराओं स्पष्ट हुई जी कहे कि अगर कि भाजपा के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि एंटी इनकम्बेंसी सूत्रन के मानी तो राजनीतिक सूत्र खुलेआम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरा यदि रही तो एंटी इनकम्बेंसी जरूर झलके। लेकिन नेतन के कहा है जे पार्टी के नेता हैं वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि चुनाव तो सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़ा जी। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लोकप्रियता दुई दशकन बाद हूबहू बरकरार है और अगला चुनाव 2023 के मतलब यह चुनाव जो है फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरा पर लड़ा जी। तब देखब दिलचस्प हुई कि भाजपा के का सीट कम होती है या सरकार में कोनो फर्क पड़त है। कहे कि 2018 के चुनाव अपना के याद हुई वह चुनाव में कांग्रेस का पूरी तरह से बहुमत में ले आई रही जनता, मतलब ये लोकतांत्रिक देश है एमा। लेकिन बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ के विवाद के चलते सरकार महज कांग्रेस के 1.5 साल चल पाई और वह 1.5 साल चले के बाद जो है या भाजपा सरकार फिर आई। कुल मिला के लगभग 17-18 साल की यह कार्यकाल लगातार के कार्यकाल 15 महीने के बीच के यदि छोड़ दी जाए ता अब पूर हो के कगार पर है। लेकिन अब देखा दिलचस्प हो कि जनता का जैसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा रोज एक नई जो है बड़े लुभावने वादे की इंजाल लागे कहे कि अबे लाड़ली बहन जो योजना शुरू है ओकर यह कहा जा रहा है कि यह बीजेपी के द्वारा एक मास्टर स्ट्रोक है और घर घर पहुँचे कि ये एक बड़ा माध्यम है कि साल में हर महिला का 12,000 रुपया दी जाए। अब देखा दिलचस्प हुई कि यह सब योजना घोषणा का ही चुनावन पर कुछ खास बढ़त बीजेपी का दिबाए पूती है या फिर सरकार में पुनः स्थापित कर सकती है तो यह आबे वाला वक्त बताई। लेकिन टिकटन के बंटवारा कल के कांग्रेस और भाजपा दोनों बेहद गंभीर रही। अब देखा दिलचस्प हुई कि का गुजरात फार्मूला भाजपा जो है शामिल कर थी या फिर कौनो नए फार्मूला एमपी खुद एक नया फार्मूला बनाए के भाजपा का पुनः सत्ता माप काबिज कर थी। तब देखा बेहद दिलचस्प हुई था। आप अपने परिवार के रखिए बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम।